मेरा नाम डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा है। मैं फ़िलहाल ऑर्गेनाइज मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड, जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ और एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ। आज हम कोविड-19 के जो वैक्सीन्स के बारे में चर्चा चल रही है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। दो दिन पहले लैंसेट नाम की अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल ने एक शोध छापा है, जिसके अंदर ऐसा बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ जो वैक्सीन बना है कोविड-19 का, उसका उन्होंने फेज़ 1 और फेज़ 2 का कंबाइंड ट्रायल किया था 1077 लोगों में। उनके अंदर उस वैक्सीन का सेफ्टी और एफिकेसी और इम्यूनोजेनेसिटी, ऐसे 3 प्रमाण में ये वैक्सीन अच्छा मिला है। ये होने के बाद फेज़ 3 ट्रायल होता है, जो 47,000 लोगों में होगा। उसके अंदर से लगभग 10,000 लोगों पर ट्रायल इंडिया में भी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारे देश के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे स्थित एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है वैक्सीन का मास प्रोडक्शन करने के लिए। अगर वैक्सीन सक्सेसफुल होता है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने कल ही डिक्लेयर किया कि वो 1 बिलियन यानी 100 करोड़ वैक्सीन के डोज बना सकते हैं। और अभी अगस्त एंड तक यानी 1 महीने के अंदर लगभग 10 से 20 लाख डोज वो बना के रेडी करेंगे, ताकि वो जब वैक्सीन सक्सेसफुल हुआ तो इमीडिएटली लोगों को दे सकते हैं। ये पहल सबसे पहले बिल गेट्स ने की थी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे जो शॉर्ट लिस्टेड 6 या 7 वैक्सीन हैं, उसको मैं फ़ंड करने के लिए तैयार हूँ। अगर उस वैक्सीन में से एक आध भी सक्सेस होता है और बाकी फेल होते हैं और हमारा मास प्रोडक्शन रेडी है, तो हो सकता है कि हमारे लाखों वैक्सीन के डोज वेस्ट होंगे जो वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं मिला है। लेकिन जो वैक्सीन सक्सेसफुल है, उसको हम यूज़ कर हमारे कई लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया पैसे के मुकाबले में। अब बात यह है कि भारत जो बोल रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है, वो सही होगा कि नहीं। भारत आज हमारे दुनिया के जितने वैक्सीन्स हैं, उसके अंदर के 60% वैक्सीन सप्लाई भारत कर रहा है। तो भारत देश के वैक्सीन के वजह से आज लाखों लोगों की जान पूरी दुनिया में बचती है। तो हम अगर बोल रहे हैं कि हम लोग 100 करोड़ या 120 करोड़ वैक्सीन बना सकते हैं, तो ये सही है। दूसरा, ये भी बताया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन को छोड़ के और भी कोई दूसरी वैक्सीन होगी जिनका मास प्रोडक्शन इंडिया में करना होगा, वो भी हम करके देंगे, ये पहले वैक्सीन का प्रोडक्शन इम्पैक्ट किए बगैर। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अभी तक जो 130 कैंडिडेट वैक्सीन है, उसमें से 13 शॉर्ट लिस्टेड थे, उसमें से 6 वैक्सीन ने फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट किया है। किसने फेज़ 1, किसने फेज़ 2 या किसने कंबाइंड। और इमरजेंसी को देखते हुए हम वो फेज़ 1 फेज़ 2 कंबाइंड भी करते हैं कभी, और कभी फेज़ 2 के बेसिस पे लाइसेंस दे देते हैं ताकि फेज़ 3 चलता रहे और लोग इसको यूज़ कर सके। अब ये जो हमारे हाथ में जो वक्त मिल रहा है, हो सकता है कि वैक्सीन दिसंबर 2020 तक कंप्लीट हो जाए। तो ये 3-4 महीने के अंदर हमें ऐसी योजना बनानी है कि वैक्सीन किसे मिलना चाहिए प्रायोरिटी से, एजेड लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर को, डॉक्टर्स को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, छोटे बच्चों को, ऐसे प्रायोरिटी बनाना चाहिए। दूसरा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यानी आंगनवाड़ी वर्कर तक उन लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। और तीसरा, हमें ये देखना होगा कि जब तक हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ये वैक्सीन नहीं मिलता है, तब तक ये वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ कंट्री में देना पड़ेगा। और जो लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुका है, उनको वैक्सीन का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन इम्यूनो प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस के लिए है, और इम्यूनोथेरेपी के लिए नहीं है। इम्यूनोथेरेपी यानी होने के बाद ट्रीटमेंट करने के लिए, ये होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए। तो ये चीज़ों पर मद्देनज़र रख के हमें डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। हमारे देश ने जो डिक्लेयर किया था कि 15 अगस्त को हम भारत का एक वैक्सीन देंगे, उसमें तथ्यता नहीं है, वो शायद हो नहीं पाएगा। हो सकता है कि वो भी वैक्सीन दिसंबर एंड या अगले साल आ जाए।